हेलो फ्रेंड्स, मुझे वेलकम करुच्छे ओडिया गंडार यूट्यूब चैनल को। आज हूँ फ्रेंड्स मे मसर 16 तारीख, तो आज भिडियो मुझे एमती गोटे फूल गच्छ देखेबी जोटा कि होल एंटायर समर सीजन आप गार्डेन में बहुत सुंदर फूल देता है और भरी भरिका फूल आसते हैं। प्रायत सब गार्डेन ये गच्छ को निज गार्डेन में ग्रो करने बहुत इच्छा प्रकाश करता, किंतु किसी लैक ऑफ नॉलेज रही है जो जहाद्वारा कि आपने से गच्छ को लगे पार ना कि फूल पाई ना। तो आज भिडियो मुझे सब डाउट क्लीयर करी और आज भिडियो मुझे देखेबी जो आपने ये गच्छे किपर फूल पाइबे और कौन से गच्छ कौन तार विशेषत्व रही आज भिडियो आम जाना। तो यही जो फूल गच्छ मो आखि आगे आपड़ देखुं यहाँ हूँ रंगन क्रीपर मधुमालती था, तो या विषय में आज भिडियो आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो आपने भिडियो टी आरंभ से संपूर्ण देखो, जो मैंने ओडिया गार्डन यूट्यूब चैनल नुआ आसते हैं चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करने सहित भिडियो को लाइक करदे। तो चलो फ्रेंड्स आज भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स मधुमालती रंगन क्रीपर जो आपने कही, तो यार मुख्यतः दुईट भेरैट आसते, गोटे हूँ क्रीपर भेरैट और आउ गोटे स्टैंड भेरैट। तो क्रीपर भेरैट जोटा होता है सीटा सामान्य लटे थाए और बहुत लटा माड़ा पर फूल आसते, किंतु एवं नुआ हाइब्रिड भेरैट आसगला जोटा कि स्टैंड मालती कहुची। भाव में देखी पार्थे गच्छ एम स्टैंड टाइप रही है, जमीक आम नॉर्मल सब गच्छ होते हैं गच टाइप रही है और बुसी होती फूल आसी थाए। आपने बहुत मटी लगे पारे और पट्रे ग्रो करेंगे। जदि आपे कम जगह अच्छी कि मटी तले स्पेस ना, तो आपने छात पर बहुत इजिली ग्रो करेंगे। तो मुझे गच्छ को गोटे 12 इंच पट्रे लगे मटी पट्रे और गच्छ देखी पड़ते बहुत सुंदर ग्रोथ रही है। रिसेंटली मुझे रिपोर्टिंग करी, तो बर्तमान ए फूल आसवा स्टार्ट हो गला। तो मुझे कौन फर्टिलाइजर देखी केमी केयर कर सब आज भिडियो आपंक सहित सेयर करी, जहाद्वारा कि आपने भाव में मधुमालती गच्छ निज घर ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ग्रो करवा एत भी किसी कष्ट नहीं, बहुत इजी होता है ग्रो करवा। तो आपने गोटे भल क्वाटर गच्छ नर्सरी आणतु मधुमालती सिंपली गोटे भल वेल ड्रेन सॉइल मीडिया तैयारी करी से आपको लगे दिंतु और मिनिमम पॉट साइज 10-12 इंच ए था। तो देखिए जो आपर गच्छ ग्रोथ आसोर अटोमेटिकली फुल धरिया स्टार्ट हो, किंतु लिमिटेड टाइम पर फुल आसवा कमी जाए जहाँद्वारा कि आमको किसी एक्सट्रा फर्टिलाइजर देवाक पड़ता है और गच्छर किसी एक्सट्रा केयर नाक पड़ता है। तो कौन सब यार केयरिंग टिप्स रही है मुझे आप सहित गोटे गोटे सेयर करदे। तो प्रथम कथा फ्रेंड्स जो गच फ्लावरिंग स्टार्ट हुए ये आम समर सीजन ही अधिका फुल आसी थाए, जिते आमर मार्च एप्रिल मस हो जाए ए फुल धरिया स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सुंदर फुल होता है और बहुत पेथा आकार में फुल आसता है, गुच्छा आकार में फुल आसता है और यार फुलर कलर चेंज होता है। देखिए आपने फुल जब सकाल आपर ह्वाइट कलर ही फुटुदेव, तेल ये आपर इवनिंग टाइम कि पिंक कलर हो जाए, मौलिया टाइम कि ब्राउन कलर हो मौली थाए। तो ये फुल कलर चेंज करते दिन बेले एथेरे बास्ना हल्का रही है और रात बहुत सुंदर बास्ना होता है और गार्डेन पूरा महक भर दे थाए। जदि आप गच्छ को निज गार्डेन में लगाऊँच तेल आपको किसीटा केयर नाक पड़े गच्छर। तो केयरिंग में प्रथम जिनस आपर पा आवश्यकता अनुसार देते ओभर वाटरिंग के करेंगे ना, और गच देखिए जो आपर फुल धरिया स्टार्ट होते आपने किसी विशेष फर्टिलाइजर अच्छी जोटा कि मुझे भिडियो आपन सहित सेयर करी। से फर्टिलाइजर को आपने गच्छर अप्लाई कले आपने ये ढेर सारा फुल गच्छे। तो फ्रेंड्स मधुमालती को आपने कटिंग बहुत इजिली ग्रो करेंगे, जदि आपने यार गोटे सेमी हार्डवुड कटिंग नौकरी पाखापाखि 10-15 सेंटीमीटर रहा आपने गोटे मॉइस्ट मीडिया कि बाली कटिंग को लगे कि आपने गोटे मस भर से रूटिंग पाई एथर आपने चारा तैयारी करेंगे। कटिंग जब आप ना चाहते तेल आपने वर्षा दिन निर्षा दिन आपर ढेर सारा प्लांट निजे करेंगे। आउ फ्रेंड्स जेहेतु यहाँ गोटे बहुत हार्ड गच्छ से आपको विशेष किसी केयर नाक पड़ न थाए, गच्छ आप बहुत इजिली सर्वाइव कर जाए ए फुल ऑटोमेटिकली आसी थाए। तो आम देखा जदि आप गच्छ को निज गार्डेन में ग्रो करुँच दिन 4-5 घंटा सूर्यकिरण देवा निहाती दरकार, खरार रखिए जदि छाई रखिए तो आपर फुल कम आस गच्छ आपर फुलर ग्रोथ अधिक हम पत्र अधिक आस फुल कम आस तेणुक आपको फुल सनलाइट रखिए जोटी आपको दिन 5-6 घंटा कंटिन्यू खरा को मिल पार्थ। नेक्स्ट जिनस रहा है आम जब ए फर्टिलाइजर देवा तो आपने ड्राई फर्टिलाइजर डीएपी यूज करेंगे, डीएपी पटास देपारे और डीएपी सोरस पीड़ियापरेंगे। आज जब लिक्विड फर्टिलाइजर देवा चाहिए तो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर आगे बर्तमान भिडियो देखेबी आपने से हिसाब से लिक्विड फर्टिलाइजर देपारे। तो आसतु बर्तमान देखा आम फर्टिलाइजर केमी या केमी गच्छे अप्लाई करुच्छे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो फर्टिलाइजर तैयारी करवा से मुझे सब उपादान तार मुझे नहीं जाइए। तो प्रथम मुझे नहीं भर्मी कंपोस्ट पाखापाखि गोटे मुठा आपंप हाथ में जितकी आसने से गोटे मुठा भर्मी कंपोस्ट
तापर मुठि नै छि सोरिष पिडिया, सोरिष पिडिया मुठि छि गोटे चम्मच, तापर गुंड सोरिष पिडिया मुठि छि आपन चाहिले टेला मधे यूज करि परिबे जेहेतु आमे लिक्विड फर्टिलाइजर तयार करछि। तापर मुठि नै छि सीयूडी एक्सट्रैक्ट बा माइक्रो न्यूट्रिएंट मुठि नै छि गोटे चम्मच। तो जदि आपन लगे सीयूडी एक्सट्रैक्ट नाही तले आपन सिंपली पाचिला कदळी चोपा मधे यूज करि परिबे। तो एतिकि रहला हमर फर्टिलाइजर, तो ए सब को आमे पानी रे पके देबा। मुठि गोटे लीटर पानी नै छि नॉर्मल पानी, तो से सब को मु से पानी रे पके दोछि। तापर ताको हम से पानी को फॉलो से मिक्स कर देबा। तो एको हमें 24 घंटा पई ए भिलावर छाड़ देबा ए पॉट रे। जेतेबेले पानी हमर 24 घंटा पारे डाइल्यूट हे जीवो एथरे, ताको हमें गछरे एथरे आउ गोटे लीटर पानी मिसे कि गछरे हमें 100 ml किमा 200 ml देई परिबा प्रति गछरे। जे जे कोन से गछरे आपन फुल आसने आपन ताको मध्ये एथरे यूज करि परिबे। तो ये रहला आपन न पई फर्टिलाइजर, आपन ने को 24 घंटा किमा चाहिले 48 घंटा मध्ये रखि परिबे। जेते आपन रखिबे आपन पई सेते बेटर होबो, जेते पोच अधिक दिन रहिबो आपन पई सेते सेटा भलो काम करिवो। तो ये हो गला या पई फर्टिलाइजर, आको आपन ने मासुकु कोटे थरो निहेती गछरे देबे, देखियो आपन ने गछरे बहुत बडे रिजल्ट पाइबे एवं बहुत सुंदर फूल मधे आपन ने गछरे आसीबो। तो फ्रेंड्स, ये थला मधुमाली तरह किछि विशेषत्व एवं तार केयरिंग टिप्स मु आज भिडियो आपन सहित शेयर करछि। आशा करछि आज भिडियो आपन निहेती पसंद आसीबो एवं आपन ने किछि नुवा जिनिस शिखिबाक मधे पाइथिबे। तो जदि आज भिडियो आपन को भल लागिछि ताले भिडियो निश्चय लाइक करिया सहित कमेंट लेखि जणैबे भिडियो केमिति लागिछि एवं आपनको आउ को टॉपिक उपर भिडियो दरकार सेटा मधे लेखिकि जणैबे। आ फ्रेंड्स, जदि आपन फर्टिलाइजर उपर किछि डाउट रहछि ताले मधे कमेंट रे क्वेश्चन करि परिबे, मु यार अपडेट मधे आपनको देइ देबि। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो एतिकि रहला, पुनि देखा नेक्स्ट भिडियो किछि नुवा टॉपिक सहित। से रहूँ, बाय बाय, थैंक यू।